स्टूडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फ्रैक्शन में हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, x x के टर्म एक साइड ले लेंगे और नंबर नंबर के टर्म एक साइड ले लेंगे। तो ये x x के टर्म है और ये नंबर नंबर के टर्म है। चलिए तो x x के टर्म इस जो x का टर्म है वो इधर आ जाएगा और ये जो नंबर का टर्म है वो इधर चला जाएगा और सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए x अपॉन 2 तो पहले से ही यहाँ पे था, ये माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन 4 तो पहले से है तो ये प्लस 1 अपॉन 5 इधर हो जाएगा। देखिए माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गए होगा यहाँ तक। चलिए आगे करते हैं। देखिए आगे यहाँ पर करने से पहले हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। देखिए दोनों का 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया नीचे एलसीएम 6 और इन दोनों का एलसीएम होगा 20। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई सर आपने तो नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 20 हुआ। तो देखिए एलसीएम में ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तब डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि नीचे एलसीएम बनाने के लिए, यानी यहाँ पे नीचे 20 बनाने के लिए और यहाँ पे नीचे 6 बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 3x अपॉन 6 माइनस ये हो जाएगा 2x अपॉन 6। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 20 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन 20, ठीक है। तो अब देखिए ये 6 सेम एक बार लिख लीजिए, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या करोगे, 20 एक बार लिख लीजिए, 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2x गए, कितने x बचे, 1x बचा, x अपॉन 6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 अपॉन 20 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 6 है वो ऊपर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 20। तो आइए इसको कट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 27 अपॉन 10। क्लियर, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आइए कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीज़ ही है। देखिए सारे के सारे फ्रैक्शन में सिवाय एक को छोड़कर, और सारे के सारे एक ही साइड में है, तो n वाले टर्म्स अब हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली इन 4 नंबर का हमें क्या कर लेना है, सॉरी 3 नंबर का क्या करना है, हमें एलसीएम निकाल लेना है। नीचे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 2, 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 12। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमें क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6n, ठीक है। नीचे हो गया 6 2 12 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9n अपॉन में हो जाएगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा, 10n अपॉन में हो जाएगा 12। ओके, अब हम करते हैं आगे, इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो 12 जो है नीचे सब में सेम हो गया, तो 12 जब सब में सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, वन टाइम लिख लेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21। तो देखिए अब ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आंसर क्या होगा, 6n माइनस 9n कितना हो गया, माइनस 3n। 6n माइनस 9n कितना हो जाएगा, माइनस 3n। माइनस 3n प्लस 10n हो जाएगा 7n, वो भी प्लस में, ठीक है। 7n क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 21। अब देखिए सिंपल सी बात है, 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई। 12 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 12,
ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए सेवन जो है डिवाइड होने वाला है अभी, ठीक है, सेवन जो है डिवाइड होने वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर बाद में अगर सेवन से इसको डिवाइड करना होगा नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, पहले इसको नीचे ले जाते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको नीचे ले जाते हैं और चेक करते कोई नंबर कटता है कि नहीं। देखते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 12 होल डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया। देखिए आप देखेंगे कि 7 वन जा और 7 थ्री जा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 थ्री जा कितना इजी हो गया, 9 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 थ्री जा 36। क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? चाहो तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके थ्री डिजिट का एक नंबर आएगा, जो भी नंबर आए उसको हमें क्या कर देना है, 7 से डिवाइड करना, आंसर 36 आएगा। तो आइए कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी अरेंजमेंट सही नहीं है। हमें क्या करना है, एक्स एक्स के नंबर एक साइड ले लेना है, नंबर नंबर को एक साइड कर देना है। तो देखिए इस साइड हम एक्स ले लेते हैं, तो ये एक्स हमारे पास पहले से है, यहाँ पे माइनस 8x आ गया अपॉन 3, ठीक है। अब ये जो माइनस 5x अपॉन 2 है इसको इस साइड ले आओ, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस में इज इक्वल टू बॉर्डर क्रॉस किया तो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू अब क्या आएगा, यहाँ पे पहले से क्या है 17/6 पहले से ही है। अब 17/6 पहले से, लेकिन ये 7 जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, क्योंकि अकेला नंबर है ना, तो प्लस से इधर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। अब देखिए सारे x के टर्म एक साइड हो गए, सारे नंबर्स एक साइड हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, LCM लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो। तो भाई LCM हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, क्योंकि नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए LCM इस साइड भी देख लेते हैं, इस साइड भी साथ में ही कर देते हैं। तो नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि LCM क्या होगा, 6 होगा, अकेला 6 ही है, 6 और 1 है तो LCM 6 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6x अपॉन 6, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 2 16x अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, प्लस 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 अपॉन 6, ये हो जाएगा 7 6 42 अपॉन 6, ठीक है। अब नीचे देखिए 6 हम वन टाइम लिख लेते हैं, 6 क्या करते हैं, वन टाइम लिख लेते हैं, 6 वन टाइम लिख लेते हैं। अब ऊपर क्या है भाई, 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42 अपॉन 6। देखिए आप चाहें तो नीचे नीचे के नंबर यहाँ पर काट सकते हैं, 6 1 जा 6 1 जा काट सकते हैं, और चाहो तो इसको यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6 1 जा ऐसे कटेगा। लेकिन आप कहेंगे भाई माइनस से माइनस क्या है, 42 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो तो कटने ही वाला है, ठीक है। चाहे यहीं पर काट दीजिए, चाहे वहाँ पर ले जाइए काट दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको ईजिली किस तरह से सॉल्व करेंगे, 16 माइनस में है, ठीक है, 16 क्या है माइनस में, और 15 क्या है प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 क्या है 1x, वो भी कैसा x, -1x, ठीक है, -1x बच गया, और यहाँ पर कितना है +6x, +6x -1x क्या हो गया 5x। क्लियर हुआ, देखिए ये दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास आया x, क्या आया x, वो भी कौन सा x, माइनस में, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो -16 और प्लस 15, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 16 में से 15 गया 1 बचा, और जो बड़ा नंबर है वो माइनस में, इसलिए माइनस एक्स। तो हमारे पास टर्म क्या आएगा, 6x माइनस एक्स, तो 6x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 5x। क्लियर, अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू, तो आइए माइनस कर लेते हैं 42 में से 17, तो 42 में से 17 माइनस करेंगे क्या आएगा 25/6। देखिए 25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 42 माइनस 17 ये हो जाएगा 25, लेकिन कैसा 25, -25, क्यों माइनस में भाई, बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए -25। अब ये 5 जो है नीचे चला जाएगा और 6 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -25 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6 पहले से यहाँ पर है, और ये 5 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ठीक है। आप चाहो तो 6 को यहाँ पे भी काट सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आइए करते हैं आगे के क्वेश्चंस, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है,
एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव। देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो टर्म है ये होल डिवाइड में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो होल डिवाइड में तो देखिए नीचे जो नंबर थे वो क्या करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे। देखिए अब यहाँ पे x माइनस थ्री तो पहले से ही है, ठीक है, इस पर ब्रैकेट लगा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, यानी ये थ्री जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये फाइव है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस फाइव यहाँ पे पहले से ही है और ये फाइव जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ये नीचे से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस नाइन, ठीक है। अब नंबर नंबर एक साइड ले लीजिए, x के टर्म्स एक साइड लीजिए, माइनस ट्वेंटी फाइव इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस नाइन पहले से प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थ्री है ये प्लस में इस साइड आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि फाइव एक्स तो यहाँ पे पहले से ही है, माइनस थ्री एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू नाइन, ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस कर देंगे तो बचेगा सिक्सटीन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्सटीन अपॉन टू, टू वन ज़ा टू एट ज़ा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल वाले टर्म हैं पहले उनको एक साइड लेना होगा, ये जो t है ये इस साइड आके प्लस होगा पहले, तो ये देखिए 3t टी माइनस टू अपॉन फोर माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल, अब ये देखिए माइनस t जो है वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस t इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म जो है वो क्या है, वेरिएबल जो है अकेला है, ठीक है, अपॉन में कोई नंबर नहीं है, तो उसको अपॉन में क्या ले लेंगे, वन लेंगे। तो अब जो थ्री और फोर का एलसीएम है, थ्री फोर और वन का एलसीएम होगा ट्वेल्व, ठीक है। तो ट्वेल्व होगा तो इसको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर ये सिंपली ट्वेल्व से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्योंकि ऊपर इतना सारा टर्म है, ठीक है, प्लस के साथ दो टर्म्स आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे और इसको फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे और इसको थ्री से मल्टी। देखिए ये ऊपर लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी पावर हो गई, मतलब स्क्वायर क्यूब वगैरह लगा थे, वो क्यूब नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे ट्वेल्व हो गया, अब ऊपर क्या होगा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री थ्री टी माइनस टू। आप ये स्टेप लिखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, ये नहीं लिख कर, ये मल्टीप्लाई जो मैंने लगाया ये नहीं लगा के आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा फोर टू टी प्लस थ्री, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा ट्वेल्व, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ट्वेल्व टी अपॉन में ट्वेल्व इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ट्वेल्व सब में एक हो गया तो भाई ट्वेल्व को कॉमन कर दीजिए नीचे। अब हम क्या करेंगे, साथ में अंदर मल्टीप्लाई भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइन टी थ्री टू जै सिक्स, अब देखिए यहाँ माइनस है, तो अब देखिए ये कंसीडर करेंगे इसको हम माइनस फोर, क्या कंसीडर करेंगे, माइनस फोर, क्योंकि माइनस है ना बाहर, तो माइनस फोर कंसीडर करेंगे और अंदर जाइए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एट्टी और प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, फोर थ्री जै ट्वेल्व, ठीक है, क्लियर हुआ। ये माइनस कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ट्वेल्टी, ठीक है, इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। अब ये जो 12 है ना, ये ऊपर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 जो है वो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए 90 माइनस 80 प्लस 12t, ठीक है, तो 9 में से 8 गया 1t बचा, 1t और प्लस 12t कितना हुआ 13t, हमारे पास आया 13t। अब यहाँ पे नंबर नंबर में हमारे पास क्या बचा, ये है माइनस सिक्स और ये है माइनस ट्वेल्व, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एटीन, माइनस माइनस होता है प्लस और बड़ा साइन माइनस में, इसलिए माइनस एटीन, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास है टू अपॉन थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू को ट्वेल्व से, ठीक है, क्यों नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, थ्री वन जा थ्री फोर जा, तो इस साइड आ जाएगा हमारा एट, ठीक है, और ये माइनस एटीन है, ठीक है, माइनस एटीन इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस, तो या जब प्लस कर लेते हैं प्लस 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 13t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 26। अब देखिए 13t इज इक्वल टू क्या हो गया 26, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 26 डिवाइड बाय 13, 26 डिवाइड बाय 13, तो 13 वन जा एंड 13 टू जा, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, t हो जाएगा
टू। ओके अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि देखिए हमने टी के टर्म्स एक साइड लिए, ठीक है, इसको हमने इस साइड लिया, ठीक है। इसके अलावा हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं कि भाई यहीं पे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, और इसको एक सिंगल लाइन में ले आओ, ठीक है, एक इस तरह से सिंगल लाइन में ले आओ और उसके बाद टी का टर्म इस साइड करो। तो चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन में इसको करके देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। जो मैं आपको सेकंड तरीका जो बता रहा हूँ वो कैसे होगा वो हम इस क्वेश्चन में करके देखें। तो आइए करते हैं। देखिए अब इस m के टर्म को इधर मत लाइए, ना तो इस m के टर्म को उधर लिखना चाहिए, ठीक है, एज इट इज़ जहाँ पढ़ा है वहाँ पर पढ़ा रहने दीजिए। और हम क्या कर लेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे वन है, यहाँ पर भी वन है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टू से, तो ये हो जाएगा टू एम माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में m माइनस वन, ठीक है, होल डिवाइड बाई टू। देखिए दोनों के नीचे टू है इसलिए पूरे के नीचे टू ले लिया, क्लियर। अब इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो आप यहाँ पर भी होल डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया थ्री माइनस, अब ब्रैकेट में m माइनस टू, समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब पहले ऊपर के टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा टू एम, ये हो जाएगा माइनस एम प्लस वन। देखिए बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो ध्यान रहे। इसी तरह से थ्री माइनस एम प्लस टू हो जाएगा, अपॉन थ्री रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि इधर भी माइनस था इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, टू एम माइनस एम कितना हो गया, एक एम बचा, एम प्लस वन हो गया इधर, अपॉन टू, और इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा भाई, प्लस थ्री प्लस टू कितना हो गया, फाइव। तो यहाँ हो जाएगा फाइव माइनस एम अपॉन थ्री, क्लियर, ये हो गए। अब देखिए इस टू को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस थ्री को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई एम प्लस वन, और ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस फाइव माइनस एम, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है इसके साथ टू को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो पूरा टर्म है इसके साथ ये थ्री जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल लाइन में आ गया हमारा टर्म, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थ्री से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस थ्री, और ये हो जाएगा फाइव टू ज़ा टेन माइनस टू एम। अब क्या करेंगे हम, इस m m वाले टर्म को m इस साइड ले आएंगे, और थ्री जो नंबर है उसको इस साइड, यानी कि वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे और नंबर को एक साइड लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से क्या है, थ्री एम, ये टू एम इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टू एम, और यहाँ पे हमारे पास पहले से टेन है, और ये थ्री क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस थ्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाएगा फाइव एम इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री सेवन, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन फाइव, ये फाइव जो है डिवाइड में चला जाएगा। ओके आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, थ्री जो है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसी तरह से फाइव जो है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखिए ये थ्री जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री टी, ये हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू फाइव जो है वो हो जाएगा टू के साथ मल्टीप्लाई होकर टेन टी प्लस, ये हो जाएगा फाइव। अब सेम जो हम अभी तक करते आए, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड ले लो, नंबर नंबर को एक साइड ले लो, तो नंबर को हम इधर ले जाएंगे, वेरिएबल को इधर ले जाएंगे। तो थ्री टी माइनस टेन टी इज इक्वल टू फाइव, यहाँ पे पहले से है, प्लस नाइन हो जाएगा, माइनस नाइन इधर आके प्लस हो गया, टी जो है माइनस इधर आके हो गया। तो भाई प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस सेवन टी यहाँ पर होगा, ठीक है, माइनस सेवन टी हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर्टीन। तो ये जो सेवन है ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्टीन अपॉन सेवन, सेवन वन जा सेवन टू जा, तो माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। अब देखिए कभी भी वेरिएबल के साथ अगर माइनस का साइन रह जाए तो आप सिंपली उस साइन को सामने की साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हुआ, कि आप ये समझ लीजिए कि माइनस टी इज इक्वल टू टू आया, तो एक काम कीजिए इसकी प्लेस इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस टी, तो टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस टू, तो टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस टू लिख सकते हो। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या करोगे, इस साइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं हम एट क्वेश्चन। तो एट क्वेश्चन में भी देखो सारे के सारे वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई फिफ्टीन वाई हो जाएगा पहला, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटी हो जाएगा, फिफ्टीन फोर जा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है क्योंकि माइनस टू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पहला नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू वाई हो जाएगा, ठीक है, टू वाई, ठीक है। अब देखिए माइनस टू और माइनस नाइन मिलकर हो जाएंगे प्लस एटीन,
ठीक है, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस 5y हो जाएगा और 5 6 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब हमें देखिए, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हमें क्या कर लेना है, वाई वाई के टर्म्स को हमें क्या कर लेना, प्लस या माइनस कर लेना है, और जो नंबर बचे उनको प्लस या माइनस कर लेना है, बाद में उसको हम क्या करेंगे, जीरो की साइड भेज देंगे। अब देखिए, हम पहले वाई वाले टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, वाई वाले टर्म्स देख लेते हैं। तो 15y माइनस 2y कितना हुआ, 13y, 13y प्लस 5y कितना हो जाएगा, 18y, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आया 18y। अब देखिए नंबर्स देख लेते हैं, प्लस 60 सॉरी माइनस 60 और प्लस 30, माइनस 60 प्लस 30, ये हो गया हमारा माइनस 30, कितना हो गया, माइनस 30। तो माइनस 30 और प्लस 18, माइनस 30 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए चलिए इसको एक बार करके देख लेते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए माइनस 60 है, ठीक है, हमारे पास प्लस क्या है, प्लस 18 है और प्लस क्या है, 30 है, ठीक है। मैं आपको ये रफ में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए, तो यहाँ देखिए माइनस 60 और प्लस 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 42, क्या हो जाएगा, माइनस 42, ठीक है, माइनस 42 और प्लस आ जाएगा 30, ठीक है, माइनस 42 और प्लस आ जाएगा 30, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो माइनस करें 42 में से 30 गया, कितना बचा, 12। अब 12 यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, माइनस में, तो माइनस 12, ये माइनस 12 जो है वही हमने यहाँ पर लिखा है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 12 इधर भेज देंगे, तो ये प्लस 12 हो जाएगा, भाई माइनस 12 इधर जाके जीरो में प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 ही बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 18, तो 6 2 जा 6 3 जा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, देखिए दोनों तरफ टर्म्स हैं और सिंपली पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरह से इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम तरह से इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है, 15z, ठीक है, और ये 3 7 हो जाएगा माइनस 21। अब देखिए माइनस में, तो माइनस वाले का खास ध्यान रखना पड़ता है, माइनस 2 9, तो ये हो जाएगा माइनस 18z, और ये हो जाएगा प्लस 22, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32z हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 13 4 50 2, और ये माइनस 17 जो पहले से है, ठीक है। अब जेड जेड के टर्म प्लस माइनस कर लो और नंबर नंबर को पहले प्लस माइनस कर लो, क्यों, देखिए अभी हम जेड को इधर उधर नहीं करेंगे, पहले हम नंबर, देखिए दो नंबर है, दो जेड के टर्म है, यहाँ पे दो नंबर और एक जेड का टर्म है, तो जेड जेड के टर्म एक साइड लाने से पहले हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 15z है और ये माइनस 18z है, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस 3z बच गया, ठीक है, 15 गया 3 बचा और बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए माइनस 3z हो गया। अब सेम तरीके से इधर देख लीजिए, 21 प्लस में, 22 प्लस में है और 21 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा सिर्फ, 22 में से 21 गया 1 बचा और पॉजिटिव का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 32z, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम माइनस ही लगाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, और ये हो जाएगा हमारे पास 69, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम टर्म्स को इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है, अब हम नंबर्स को इधर उधर कर लेते हैं। देखिए अब ये जो नंबर है इसको हम इधर ले जाते हैं, मतलब जो वेरिएबल है, ठीक है, और ये नंबर को हम इधर ले आते हैं, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 69 इज इक्वल टू 32z प्लस 3z, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और इधर हो जाएगा 35z, ठीक है, ये 35 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू जेड, 35 1 जा 35 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, जेड, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, तो जेड की वैल्यू आई 2। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डेसिमल है, आप चाहो तो डेसिमल हटा सकते हो, कैसे भाई, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, और देखिए ये टर्म जो है पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरा टर्म इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो
एक तरह से माइनस को निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, एक नंबर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो पूरा डिवाइड करके हम नीचे क्या कर लेंगे 100 लिख लेंगे और ये पॉइंट जो यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 25। समझ में आया? तो आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, हम इसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 4f - 3 whole divided by 100, ठीक है? सेम चीज़ इधर करते हैं, तो देखिए ये 0.05 है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो नीचे यहाँ पर भी 100 ही आने वाला है और यहाँ हो जाएगा 5 10f - 9, ठीक है? अब देखिए चाहें तो आप 100 कटआउट कर सकते हैं या फिर इधर ले जाके भी कट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अब क्योंकि पिछले वीडियो में देखा था एक क्वेश्चन जिसमें हमने कटआउट नहीं किया था, तो चलिए हम यहीं पर कटआउट कर लेते हैं इसको और हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं, ठीक है? तो ये इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 4 हो जाएगा 100f, ठीक है? ये हो जाएगा 100f और ये हो जाएगा -75 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 50f और ये हो जाएगा -45। अब ये 50f जो है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 75 इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए करते हैं, ये हो जाएगा 100f - 50f, ठीक है? यहाँ पर -45 पहले से है तो ये हो जाएगा +75, क्या हो जाएगा +75। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 50f बचा, क्या बचा 50f, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, 5 में से 5 0 और 7 में से 4 3 +30 आएगा, ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू 30/50, 0 0 कट हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी प्रकार से नए नए एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।